Sure हम में से बहुत से लोग ये प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे कि अगर आपने अपनी किसी जी मेल से अपने यूट्यूब चैनल को बनाया है और उसका कोई नाम रखा है तो वो जो नाम है वो आपकी जी मेल आई भी अपीयर होता है और अगर आप किसी को उस जी से मेल भेजते हैं तो उस मेल में भी वो नेम अपियर होता है ओके okay? अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप जी में अपना नाम चेंज करने जाते हैं तो आपके यूट्यूब चैनल का भी नाम चेंज हो जाता है तो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जाए सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनी टेक्स एन आइडियाज़ सो so, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने जी मेल में अपियर होने वाले नेम को चेंज करते हैं कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग योर यूट्यूब चैनल नेम तो यहाँ पे आप यू नो पूरी वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताने वाली हूँ कि कैसे यूट्यूब चैनल का नाम चेंज किए बिना आप अपने जी मेल में अपियर होने वाले नाम को चेंज कर सकते हैं ताकि वो अनप्रोफेशनल प्रोफेशनल न लगे कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब का नेम हम थोड़ा सा यू नो स्टाइलिश फंकी ऐसा कुछ रख देते हैं जो अगर हमारी जी मेल पर होता है तो अनप्रोफेशनल से लगता है तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू तो माय चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो नाउ लेट्स मूव फर्दर इन दिस वीडियो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये दिस इज वन ऑफ माय चैनल जिसका नाम माने एंड मॉमी रखा है मैंने ओके okay? चाहे तो आप इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ओके सो मैंने इस चैनल को जिस ई मेल से बनाया है अगर अब मैं आपको वो ई मेल दिखाऊँ तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो माने एंड मॉमी नेम अपेयर हो रहा है ओके और इस जी से किसी को भी मेल uh, करती हूँ तो वहाँ पे भी बाने मॉमी नेम ही अपेयर होता है तो कई बार वो यू you नो know, आप फॉर्मल मेल्स कर रहे हैं या प्रोफेशनल मेल्स कर रहे हैं तो उसमें वो बड़ा अजीब सा लगता है इट डजेंट लुक गुड तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है चलिए देखते हैं तो इसके लिए आपको जाना है आ, मेरी स्क्रीन में आप अपन राइट हैंड कॉर्नर पर देख सकते हैं आ, जो ये जी विंडो है उसमें सेटिंग्स का सिंबल है उस सेटिंग्स के सिंबल पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं सी ऑल सेटिंग्स का जो ऑप्शन है तो सी ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे बहुत इजी प्रोसीजर है जस्ट वॉच द वीडियो केयरफुली सी ऑल सेटिंग्स के ऑप्शन पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का विंडो अपीयर होगा ओके okay? सो so यहाँ पे जो ऑप्शन है अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट तो इस अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट के सेक्शन पे हमको क्लिक करना है अकाउंट्स एंड इम्पोर्ट के सेक्शन को क्लिक करने पर आ, कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ, जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज़ सेंड मेल ए एज सो हमें इस ऑप्शन पे आना है सेंड मेल एज इसके सामने आप देख सकते हैं माने एंड मोमी और फिर मेरा जी मेल दिया हुआ है तो जो ये माने एंड मोमी है ये जब भी मैं किसी को मेल भेजती हूँ तो ये माने एंड मोमी अपेयर होता है ओके बिकॉज इट इज़ सेंडिंग मेल एज़ मान्या इन द नेम ऑफ माने एंड मॉमी ओके सो मैं इजिल इसको चेंज कर सकती हूँ विदाउट चेंजिंग द नेम ऑफ माई यूट्यूब चैनल सो इसके सामने आप देख सकते हैं एडिट इन्फो का एक ऑप्शन uh, है सो so, मैं इस एडिट इन्फो के ऑप्शन को क्लिक करूँगी और जब मैं एडिट इन्फो के ऑप्शन को क्लिक करूंगी तो किस इस तरह की विंडो ओपन होगी मैं थोड़ा सा इसको एनलाज कर सक कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाएंगे ओके सो मान्या एंड मॉमी एज नेम इन गूगल अकाउंट ये मेरा नेम है अभी गूगल अकाउंट में अगर मुझे इसको चेंज करना है तो मैं नीचे जो यू नो ऑप्शन दे रखा है उस वाले ऑप्शन को क्लिक करूँगी वो जो ब्लैंक बार है वहाँ पर मुझे जो अपना नाम रखना है जैसे मेरा जो नाम है मीता जैन तो मैं यहाँ पे सपोज uh, मीता लिख देती हूँ ओके okay? uh, तो मेरा जो नेम अपीयर होगा जी मेल में वो मीता अपीयर होगा और फिर मीता लिखने के बाद मैं क्लिक करूंगी सेव चेंजेस पे, ओके okay? एज soon एज यू वे क्लिक ऑन सेव चेंजेस तो आपके जो चेंजेस हैं वो सेव हो चुके होंगे आप यहाँ देख सकते हैं सेंड मेल एज वाले सेक्शन पे यहाँ पे पहले मान्यान मॉमी नेम अपियर हो रहा था अभी यहाँ मीता नेम अपेयर हो रहा है ओके okay? तो यहाँ पे मेरे जो चेंजेस है वो सेव हो चुके हैं और अब जब भी मैं मेल भेजूँगी किसी को तो मेरा मान्यान मॉमी नेम नहीं अपेयर होगा वहाँ मीता नेम अपेयर होगा और ये मैं आपको एक मेल सेंड करके भी दिखा देती हूँ हालांकि जो हमारे गूगल अकाउंट का नेम है वो चेंज नहीं होगा वो हमारे प्रीवियस नेम की तरह ही रहेगा बट अब से जो हम ई मेल्स भेजेंगे उसमें ज़रूर हमारा जो नेम है वो चेंज होके अपियर होगा फॉर uh, एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ बता देती हूँ यहाँ पे मैं एक नया मेल कंपोज कर रही हूँ अगर आपको ए, अपना ई मेल आई डी नहीं पता है या याद नहीं है तो यू कैन डू वन थिंग यू कैन क्लिक ऑन योर प्रोफाइल आइकन वहाँ से आप अपना ई मेल आई डी कॉपी कर सकते हैं एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन कम्पोज कंपोज पे क्लिक करके और अपना ई मेल पेस्ट कर दीजिए टू में रेसिप में और वहाँ कुछ भी हाय या टेक्स्ट या कुछ भी लिख के आप यू नो ई सेंड कर सकते हैं खुद को तो मैं यहाँ अपने आपको एक ई सेंड कर रही हूँ टू जस्ट टू चेक और uh, यहाँ मुझे ई रिसीव हो गया है अब मैं इसको चेक करती हूँ तो यू कैन सी यहाँ पर मान्यान मॉमी अपियर नहीं हो रहा है रिसीव्ड में मेरे को यहाँ पर जो मैंने चेंज किया था मीता नेम वो अपीयर हो रहा है तो uh, इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं यू कैन वेरीफाई वेदर uh, योर नेम हैज़ चेंज्ड और नॉट यहाँ अकाउंट का नेम अभी भी एंड मॉमी है बट मेरा जो ईमेल आईडी में नेम है वो चेंज हो चुका है सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल हिथ द नोटिफिकेशन बेल आइकन सो दैट ऐसे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट मैं अपलोड करती रहती हूँ तो जब भी मैं अपलोड करूँ यू आर द फर्स्ट वन टू गेट नोटिफाइड अबाउट इट थैंक यू